डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि डियर स्टूडेंट, इससे पिछले वाले क्लासों में हम लोगों ने प्रश्नावली 2 को पूर्ण रूप से समाप्त कर लिए थे। आज हमारी क्लास है प्रश्नावली 3.1 चैप्टर 3.1 जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज आपको इसी के बारे में अध्ययन कराना है, तो जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर कर दीजिए और आइए हम आप लोगों का टाइम न लेते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में क्या होता है, तो सबसे पहले हमने बताया था चर क्या होते हैं, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड डी क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। तो दो चर वाले रैखिक का मतलब होता है ऐसे समीकरण जिनके घात क्या हो, एक हो। ऐसे समीकरण जिनके घात क्या हो, एक हो, वो रैखिक समीकरण कहलाते हैं। और दो चर वाले जिनमें दो चराए हो, आइए एक आध दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू, फिर टू एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू क्या है, 12 है। तो आप देखिए इसमें एक चर एक्स है, एक चर क्या है, वाई है। तो दो चर वाले हो गए, प्रत्येक की घात क्या है, एक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। क्या हो गए प्यारे बच्चों, रैखिक समीकरण हो गए। हमने क्या बताया, आप देखिए यहाँ एक चर क्या है, एक्स है, एक चर हो गया, एक चर क्या है, वाई है, ये भी चर हो गए। प्रत्येक की घात क्या है, एक है। तो जब इसकी घात एक, इसकी घात एक, तो क्या हो गए, रैखिक हो गए। कैसे पता चला, अरे ऐसे समीकरण जिनके घातों की संख्या एक होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं, रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तो दो चर वाले एक चर एक्स एक चर वाई, तो ये क्या हो गए, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, इसमें युग्म आता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो कहनी कोई किसी भी दो समीकरणों का जो जोड़ा होगा, किन्हीं भी दो समीकरणों का जो युग्म होगा, वो आपके क्या कहलाएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एकाक एग्जाम्पल और आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। एकाक एग्जाम्पल क्या लिया जा सकता है, जैसे एक चर क्या हो गए, एक चर हो गए 2a प्लस 3b इक्वल टू कितना है, 12। 4a प्लस 5b इक्वल टू कितना हो गया, 18। अब यहाँ क्या है, देखिए यहाँ भी एक चर है, ये भी चर है, देखिए ये भी चर, ये भी चर, तो कितने हो गए, एक चर दो चर। तो दो चर वाले प्रत्येक की घात एक है, तो रैखिक समीकरण हो गए। ये क्या है, ये भी चर, ये भी चर, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। प्यारे बच्चों क्या होता है, एक ऐसे रैखिक समीकरण जिनमें दो चर आए होंगे और प्रत्येक की घात क्या होगी, एक होगी, वो दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए प्रश्नावली 3.1 को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.1 क्या कहता है, अवताप अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है, अवताप अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष मैं तो 7 वर्ष पूर्व। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, पूर्व का मतलब होता है आप पहले जाओगे, यानी कहने का मतलब है कि पहले, पूर्व का मतलब पहले और बाद का मतलब होता है कि बाद का मतलब आगे, पूर्व का मतलब पहले, बाद का मतलब होता है आगे। ध्यान से समझिएगा, अवताप अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था। एक अवताप है और एक क्या है, उनकी पुत्री है। तो मानते हैं प्यारे बच्चों, माना अवताप की आयु क्या है प्यारे बच्चों, अवताप की आयु कितनी मान लेते हैं प्यारे बच्चों, एक्स वर्ष है, क्या है, एक्स वर्ष है। और पुत्री की आयु, किसकी आयु भैया, पुत्री की आयु कितनी है, वाई वर्ष है। पुत्री की आयु कितनी है प्यारे बच्चों, वाई वर्ष है, कितना है, वाई वर्ष है। तो प्यारे बच्चों प्रथम शर्त या प्रश्नानुसार क्या कह रहा है आपका, पहला शर्त प्रश्न में पहला शर्त क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। तो प्रथम शर्त क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व कौन कहते हैं, अवताप जी कहते हैं कि 7 वर्ष पहले बेटा मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था, क्या कह रहे हैं, तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो अवताप जी कहते हैं ना, तो अवताप की आयु कितनी है, 7 है। अवताप की आयु कितनी है, 7 है। किनसे कहते हैं प्यारे बच्चों, पुत्री से कहते हैं। ये अवताप जी बोल रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। तो बताओ प्यारे बच्चों, तो 7 वर्ष पूर्व की बात हुई, ये तो इनकी वर्तमान आयु है ना, तो 7 वर्ष इसमें माइनस हो गए और 7 वर्ष
इनमें माइनस हो गए। अब क्या बोल रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारे आयु के 3 गुनी का था, यदि आप पुत्री के आयु में 3 का गुणा कर दे प्यारे बच्चों तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अवताप बोल रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व एक्स में से 7 माइनस कर दिए पुत्री में भी, तो पुत्री भी 7 साल तो पूर्व जाएगी, तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था, तो 3 का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसको हल करते हैं, एक्स माइनस 7 आ गए, 3 का गुणा वाई से करेंगे तो 3 वाई, 3 का गुणा 7 से करेंगे, 3 सते क्या हो गए, 21 हो गए। इनको एक तरफ लिखते हैं सबको, एक्स हो गए, ये 3y इधर आए प्यारे बच्चों, तो पक्षांतर हुआ, उधर प्लस थे तो इधर क्या आ गए, माइनस आ गए, ये क्या है, माइनस 7 है प्यारे बच्चों, ये माइनस 21 इधर आया तो क्या हो गया, प्लस 21 बराबर क्या है, 0। इसको और हल करते हैं, एक्स माइनस 3y, 21 में से 7 माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों, तो 21 में से 7 माइनस करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये समीकरण नंबर हम लोग क्या बना लेते हैं, 1 बना लेते हैं प्यारे बच्चों। इसी प्रकार आप लोगों का आगे क्या कर रहा, अब से 3 वर्ष बाद तो प्यारे बच्चों दूसरा शर्त क्या कह रहा है, दूसरा शर्त कह रहा है 3 वर्ष बाद, यानी अवताप में 3 वर्ष बढ़ गए, तो अवताप की उम्र में 3 वर्ष आप वृद्धि कर दोगे तो एक्स प्लस क्या हो गए, 3 हो गए, बराबर पुत्री भी तो 3 वर्ष बढ़ेगी। बोल रहे हैं 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारे आयु का 3 गुनी रह जाऊंगा, तो 3 गुनी यानी 3 का आप इसमें क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। फिर से समझिएगा प्यारे बच्चों, अवताप बोल रहा है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष अवताप की आयु में, 3 वर्ष पुत्री की आयु में, अरे हम 3 वर्ष बढ़ेंगे तो आप 3 वर्ष नहीं बढ़ोगे बच्चों, 3 वर्ष आप भी बढ़ोगे, तो 3 वर्ष बाद उनके पुत्री की आयु के क्या हो जाएंगे, 3 गुनी, तो 3 का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स प्लस 3 आ गया, 3 का गुणा वाई सी किए तो 3 वाई, 3 त्रिका क्या हो गया, 9। 3 को एक तरफ करते हैं, एक्स हो गए, ये 3 वाई इधर आए क्या हो गया, माइनस 3 वाई, ये प्लस 3 है, ये इधर आए प्यारे बच्चों माइनस 9 हो गए, बराबर क्या हो गया, 0। एक्स माइनस कितना आ गया, 3 वाई, माइनस 9 में से 3 माइनस कर दिए, माइनस 6 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, आपके प्रश्नावली 3.1 में केवल समीकरण को, ये जो दिए गए स्थिति है, दिए गए जो मनोरंजक स्थिति है, इसको केवल बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, तो हमने बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया है, ऐसी बात नहीं है, इसे हल किया जा सकता है। इसके हल करने के तरीके आपको अगले अध्याय में बताए जाएंगे, इसके आगे वाले अध्याय में, तो हम लोग इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं। हाँ, पर कह रहा है कि इसको ग्राफी विधि से हल करना है, कौन सी विधि से हल करना है प्यारे बच्चों, ग्राफ विधि से हल करना है। तो हम इन दोनों समीकरण को याद कर लेते हैं या नोट करके रखे रहते हैं और इस पर ग्राफ बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब हम लोग चलेंगे, ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चों, ग्राफ बनाएंगे। तो आप ये समीकरण चाहे नोट करना चाहते, एक तरफ नोट कर सकते हो, एक्स माइनस कितना है 3 वाई, प्लस कितना है 14 बराबर 0 है। उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, एक्स माइनस 3 वाई माइनस 6 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर क्या है, 2 है। और बाकी बच्चों सब कुछ मिटा लेते हैं, आपको ग्राफ अच्छे से बता देते हैं जिससे ग्राफ आप समझ सकते हो। आइए चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे। समीकरण से 1 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण एक क्या है प्यारे बच्चों, एक्स माइनस 3 वाई प्लस कितना है 14 बराबर 0। प्यारे बच्चों, अगर माइनस 3 वाई इधर आएगा तो प्लस 3 वाई हो जाएगा, एक बार फिर से माइनस 3 वाई आएगा तो इधर प्लस 3 वाई और 14 उधर जाएंगे, क्या हो जाएंगे, माइनस 14। तो एक्स बराबर क्या आ गया, 3 वाई माइनस कितना आ जाएगा 14। अब हम क्या निकालते हैं, एक्स वाई में संबंध निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं बच्चों, एक्स वाई में संबंध निकालेंगे। तो आइए निकाल लेते हैं, एक डिब्बे में एक्स बना लेंगे, एक डिब्बे में वाई, और दो ठो मान निकाल लेते हैं। तो आइए आप सोचिए,
वाई के स्थान पे हम लोग क्या रख दें, वाई के स्थान पे अगर हम लोगों ने रखा पांच, सोचो वाई के स्थान पे क्या रखा जाए, पांच, तो पांच त्याई पंद्रह, पांच त्याई पंद्रह, पंद्रह में से चौदह घटा दिए, क्या मिल गया, एक्स का मान एक मिल गया प्यारे बच्चों। अब वाई के स्थान पे छह रखते हैं, तो छह त्रिक अठारह, अठारह में से चौदह घटा दोगे, क्या मिल गया बच्चों, चार मिल गए। तो एक्स वाई में ये संबंध आया। अब समीकरण दो से, कहाँ से बच्चों, समीकरण दो से, तो समीकरण दो क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, समीकरण दो है x माइनस तीन वाई माइनस छः बराबर जीरो। अब तीन वाई को उधर लेके जाएंगे, तो इधर माइनस तीन वाई है, उधर हो जाएगा प्लस तीन वाई, माइनस छः उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्यारे बच्चों माइनस तीन वाई उधर गए, प्लस तीन वाई ये उधर गए, क्या हो गया, प्लस छः। अब इसको हम लोग इसमें भी संबंध निकालते हैं x और y में, तो ये कुछ इस प्रकार बना देते हैं, ये आप डिब्बा यहाँ बना लीजिएगा। अब आइए x का एक कॉलम में x, एक कॉलम में y। अब देखिए अगर y के स्थान पे आप जीरो रखते हैं तो ये पूरा भाग जीरो हो जाएगा प्यारे बच्चों, तीन गुणे जीरो जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, छः बचेगा। y के स्थान पे एक रखते हो तो तीन एक के तीन और छः जोड़ दिए, कितना आ गया, नौ आ गया प्यारे बच्चों। अब आइए हम लोग इसका क्या बना लेते हैं, ग्राफ दर्शा लेते हैं, इस स्थिति की ग्राफ बनाते हैं। तो आप ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, एक्स पे आपको अधिकतम मान कितना चाहिए, नौ चाहिए, और वाई पे अधिकतम से अधिकतम कहाँ तक चाहिए, छः पर। तो प्यारे बच्चों हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं, एक जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है वो उसको हम लोग वाई अक्ष बताते हैं, और जो क्षैतिज लाइन होती है वो क्या होती है, एक्स अक्ष होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, एक्स अक्ष होती है। तो चलिए आइए हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। इसे आप लोग क्या कहते हो, यक्स कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, वाई, इसे यक्स डैश, इसे क्या कहेंगे, वाई डैश। ये जहाँ दोनों एक दूसरे को काटती हैं वहाँ मूल बिंदु होता है जो जीरो जीरो होता है, एक्स भी जीरो होता है, y भी जीरो होता है। तो प्यारे बच्चों x पे एक हो गए, ये हो गए दो, ये हो गए तीन, ये हो गए चार, ये हो गए पाँच, ये हो गए छः, ये सात, ये आठ, ये नौ, ये क्या हो गए, दस हो गए। अब आगे क्या है बच्चों, y पे कितना है, y पे अभी अधिकतर छः चाहिए, तो ये एक हो गए, ये दो हो गए, ये तीन हो गए, ये चार हो गए, ये पाँच हो गए, ये छः, ये सात, ये आठ। इस प्रकार इधर लिखना हो तो माइनस एक माइनस दो माइनस एक माइनस दो आगे लिख सकते हैं हम लोग। अब आइए देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं प्यारे बच्चों। एक्स पे कितना है, एक है, वाई पे कितना है, पाँच है। एक्स पे एक वाई पे पाँच, हमेशा ग्राफ पे सबसे पहले एक्स को देखा जाता है फिर वाई पर। तो आप देखिए एक्स पे प्लस एक जाना है तो प्लस एक यहाँ पर है, y पे पाँच कहाँ है प्यारे बच्चों, इस यहाँ पर है। तो आप इसको डॉट डॉट दिखा सकते हो, यानी हमारा जो ये पॉइंट है वो ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर है। तो इसका नाम हो गया एक और क्या हो गया, पाँच। इसका नाम देना चाहते हो तो ए नाम दे सकते हो आप। अगला देखिए, x पे चार है, y पे कितना है, छः है बच्चों। x पे चार y पे छः, तो x पे प्लस चार जाना है और y पे छः, यानी आप y पे छः की पॉइंट आप यहाँ पा रहे हैं, देख रहे हैं प्यारे बच्चों। अब इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं और लगभग चार के सीधे पे ले आके मिला देते हैं। तो प्यारे बच्चों ये इस प्रकार मिल जाएगा और इस पॉइंट का नाम हो जाएगा चार और छः, इसका नाम बी दे दिए। ठीक बच्चों, आप इसको मिलाना चाहो तो इसको मिला सकते हो, थोड़ा सा अगर आप लोग स्केल का उपयोग करोगे तो ये लाइनिंग टेढ़ी नहीं होगी, जो इधर उधर कट जा रहे हैं, चार और छः हो गए, आप इनको मिलाइएगा अच्छे से, ये क्या हो गए एक और क्या हो गए पाँच हो गए, इनको अच्छे से मिलाएंगे तो ये एक अच्छे रूप से कटेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा तो टेढ़ा होगा ही होगा, तो आप लोग इसको स्केल से मिलाइएगा तो ये एक लाइन मिल गई, क्या मिल गई प्यारे बच्चों, एक लाइन मिल गई। ठीक, अब क्या है प्यारे बच्चों, अगला देखिएगा, x पे कितना है, छः है, y पे क्या है, जीरो। तो x पे छः y पे जीरो, तो ये वाले पॉइंट है छः और क्या हो गया, जीरो। इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, C हो गए। x पे नौ y पे एक, तो x पे नौ y पे एक यहाँ पर मिल रहे हैं प्यारे बच्चों। तो इसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं और यहाँ पे लाके दिखा देते हैं। इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, D हो गया। इस पॉइंट का नाम D, और नौ और क्या हो गया, एक हो गए। अब इन दोनों को हम लोग क्या मिला देंगे, इन दोनों लाइनों को मिला देंगे, इन दोनों लाइनों को क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, मिला देंगे। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, अगर आप इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाते हो, कहाँ की तरफ बढ़ाओगे प्यारे बच्चों, आगे की तरफ बढ़ाओगे,
तो कहीं न कहीं ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेंगी, और जहां एक दूसरे को काटेंगी वहीं इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर मिल जाएगा। वहां पर एक्स और वाई के आपके वैल्यू मिल जाएंगे, और जो वो वैल्यू होगा वही इस समीकरण का क्या होगा, हल होगा। फिलहाल जो दिए गए समीकरण थे उसके ग्राफ आपके ये बना लिए गए हैं, ये इस प्रकार ग्राफ बनाया जाता है। प्यारे बच्चों इस लाइन को आप लोग आगे की तरफ बढ़ाओगे तो ये लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, और आगे जहाँ प्रतिच्छेद करेंगी वहीं इस समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार ग्राफ बनाया जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। तो प्यारे बच्चों बल्ले और गेंद आए हैं ना, तो माना एक बल्ले की कीमत एक्स रुपये है, और एक गेंद की कीमत कितना है प्यारे बच्चों, वाई रुपए है। कितने हैं बच्चों, वाई रुपए हैं। चलिए प्रथम शर्त लगाते हैं, जब एक क्रिकेट के टीम कोच ने कितने बल्ले खरीदे, पहली बार उन्होंने 3 बल्ले खरीदे, तो बताओ बच्चों एक बल्ला 2 रुपए में, तो 3 बल्ला 6 रुपए में हो जाएगा। तो एक बल्ला एक्स रुपए में है तो 3 बल्ला कितने में हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। तो 3 बल्ला कितने में हो जाएगा, 3x प्लस कितनी गेंद खरीदे हैं प्यारे बच्चों, 6 गेंद खरीदे हैं, तो एक गेंद वाई रुपए में, तो 6 गेंद 6 वाई रुपए में कितने 100 रुपए दिए हैं प्यारे बच्चों, 3900 रुपए दिए हैं। तो आप देखिए इनको 3 से भाग दिया जा सकता है तो समीकरण और आसान हो जाएगा। तो 3 से भाग देने पर तो 3 से भाग दोगे तो 3×3 ये एक्स आ जाएंगे, यहाँ पर 3×2 6 तो 2y आ जाएंगे, फिर यहाँ भाग दोगे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 1300। समीकरण नंबर क्या बना लिए आप, 1 बना लिए। अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, दूसरा शर्त कह रहा है कि इस बार 3 गेंद और 1 बल्ला खरीदे हैं, तो एक बल्ले की कीमत कितना है, एक्स रुपये, और कितनी गेंद खरीदे हैं, 3 गेंद, तो एक्स प्लस 3y बराबर कितने आ गए प्यारे बच्चों, 1300 आ गए। कितने इस बार, 1300 रुपये दिए थे। समीकरण नंबर क्या बना लिए, 2 बना लिए। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, दोबारा उन्होंने एक बल्ला एक्स रुपये तीन गेंद तो 3y बराबर 1300। तो इस प्रकार जो दिया गया स्थिति है उसका ये बीजगणितीय रूप है। अब आगे आप इसको प्रतिस्थापन विलोपन विधि से हल कर सकते हो, वो अगले अध्याय में आपको बता दिया जाएगा। केवल आपके यहाँ बीजगणितीय रूप और ग्राफी रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम इसका ग्राफ बनाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलिए प्यारे बच्चों तो आप ये समीकरण नोट कर लीजिए यहीं पर, एक्स प्लस 2y इक्वल टू कितना है, 1300 है। फिर क्या है, एक्स प्लस 3y बराबर कितना है प्यारे बच्चों, 1300। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो प्यारे बच्चों समीकरण एक क्या है प्यारे बच्चों, एक्स प्लस 2y बराबर कितना है, 1300। 2y आप उधर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1300 प्लस 2y उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, -2y। अब x और y में रिलेशन निकाल लेते हैं, यानी संबंध निकाल लेते हैं, एक कॉलम बनाएंगे, ये x हो गया, क्या y हो गया। अब प्यारे बच्चों अगर y के स्थान पे हम लोग क्या रखते हैं, जरा सा समझिए, अगर y के स्थान पे 500 रखे तो 500×2 1000, 1300 में से 1000 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 300 आ जाएगा। एक बार फिर से समझिए, y के स्थान पे अपने मन से चाहे जो भी मान रखते हैं, तो 500 रखे, 500×2 1000, 1300 में से 1000 घटा दिए, 300 आ गए। इस बार हम लोगों ने 600 रखा तो 600×2 1200, 1300 में से 1200 घटाए प्यारे बच्चों तो क्या आ गए, 100 आ गए। इसी प्रकार प्यारे बच्चों समीकरण 2 से देखते हैं, तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस 3y
बराबर कितना है 1300, 3y उधर चले गए तो क्या आ गए 1300 माइनस 3y, क्या आ गए प्यारे बच्चों 3y आ गए। फिर एक्स वाई में संबंध निकालते हैं तो दो ठो कॉलम बनाते हैं, एक एक्स हो गए एक वाई हो गए। अब प्यारे बच्चों इस बार हम लोगों ने क्या किया कि वाई का मान 300 रख लिए, तो 300 तिया 900, 1300 में से 900 घटा दोगे तो क्या बच गए 400 बच गए। प्यारे बच्चों इस बार हम लोगों ने क्या किया कि 400 रख लिए तो 400 तिया 1200, 1300 में से 1200 घटाओगे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। बच्चों आइए इसका हम लोग ग्राफ निरूपित करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के तरीके क्या है, एक ऊर्ध्वाधर लाइन, एक क्या क्षैतिज लाइन, एक ऊर्ध्वाधर लाइन एक क्या हो गई प्यारे बच्चों क्षैतिज लाइन हो गई। क्षैतिज लाइन को हम लोग एक्स कहते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन को वाई। ये एक्स डैश हो गए, ये वाई डैश हो गए, ये जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहाँ मूल बिंदु होता है 0 0। अब अला देखिए हम लोगों को कालम में लगभग एक्स का मान कहाँ तक चाहिए 400-500 तक चाहिए और वाई के मान 600 तक, तो एक्स के मान 100 तक, तो 100 मानिए 100 200 300 फिर 400 फिर प्यारे बच्चों 500 फिर 600 फिर 700। इसी प्रकार वाई वाला मान लीजिए 100 200 300 400 500, फिर प्यारे बच्चों ये वाई के और कुछ बड़ा कर लीजिए जरा सा, तो एक क्या हो गए 600 हो गए 700, ये हो गए वाई वाले। ठीक बच्चों सबसे पहला देखिए एक्स पे कितना है 300 है, सबसे पहले एक्स फिर वाई, तो एक्स पे 300 वाई पे 500, तो एक्स पे 300 यहाँ पर है वाई पे 500 यहाँ पर है, तो आप इसको मिला लेंगे तो लगभग जो है ये वाले पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो एक्स पे 300 वाई पे 500, तो ये 300 और क्या आ गए 500, ये ए हो गए। ठीक बच्चों अगला देखिए यक्स पे 100 वाई पे 600, तो यक्स पे 100 वाई पे 600, तो आपके लगभग वाई पे 600 यहाँ पर मिल रहे हैं, आप इनको मिला देंगे तो ये लाइन यहाँ आ गई। तो इनका क्या हो गया एक्स पे 100 थे वाई पे कितने थे 600, इस पॉइंट का नाम बी, आप इनको मिला देंगे, इनको क्या कर देंगे मिला देंगे, ऐसे कर दिए। ठीक प्यारे बच्चों अब दूसरा क्या है x पे 400 y पे कितना है 300, तो x पे 400 y पे 300, ये बच्चों देखिए यहाँ पर ये लाइन मिल रही है, तो आप इनको मिला दोगे तो लगभग आपको यहाँ तक ही तो आना है, तो ये वाले पॉइंट हो गए 400 और क्या हो गए 300। कहीं 300 400 ना लिखिएगा क्योंकि जो x होता है वो पहले लिखते हैं, जो y होता है वो बाद में लिखते हैं प्यारे बच्चों। तो x पे कितना है 100 है, y पे कितना है 400, तो x पे 100 y पे कितना है प्यारे बच्चों 400, ये देखिए तो ये हो गए 100 और कितना हो गया 400। इस पॉइंट का नाम क्या दे दिए d। अब इन दोनों को आप मिला दीजिए, इन दोनों को क्या करोगे बच्चों मिला दोगे, तो देखिए इन दोनों लाइन को आप आगे की तरफ बढ़ाओगे तो वो दोनों लाइनें कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट देंगी, जहां पर काटेंगी वहीं पर बल्ले और गेंद की कीमत हो जाएगी, बल्ले की कीमत x है तो जो x का बिंदु मिलेगा वो x का मान होगा, जो गेंद का मान मिलेगा वो क्या हो जाएगा y का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार x और y के मान आपको मिल जाएंगे, तो ये इसका ग्राफ है प्यारे बच्चों। तो चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, समीक आपका जो तीसरा सवाल है इस लास्ट का अंतिम सवाल, इस बार क्या कर रहे हैं 2 kg सेब और 1 kg अंगूर उसी दूसरे के जैसा है, उस बार 3 बल्ले 6 गेंद थे, इस बार सेब और अंगूर आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। माना सेब की कीमत 1 kg सेब की कीमत, माना 1 kg सेब की कीमत एक्स रुपए, कितने रुपए प्यारे बच्चों एक्स रुपए, और 1 kg अंगूर की कीमत, किसकी कीमत अंगूर की कीमत कितने हो गए बच्चों वाई रुपए, कितने हो गए वाई रुपए, कितने हो गए वाई रुपए। तो चलिए प्रथम शर्त लगाते हैं प्यारे बच्चों, प्रथम शर्त क्या है डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 2 kg सेब
तो एक केजी एक्स रुपए में तो दो केजी कितने हो गए, दो एक्स हो गए ना। एक केजी सेब एक्स रुपए में तो दो केजी सेब कितने हो गए, दो एक्स हो गए। अब बात आती है एक केजी अंगूर, तो एक केजी अंगूर की मूल्य कितनी है, वाई है, तो टू एक्स प्लस वाई बराबर कितने रुपए खर्च किए थे, 160। समीकरण नंबर क्या हो गया, एक हो गया। उसी बात दूसरा शर्त क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, दूसरा शर्त है कि इस बार ये जो है जब गए एक महीने बाद चार केजी सेब लाए और दो केजी अंगूर लाए, तो बताओ चार केजी, तो एक केजी एक्स थे तो चार केजी क्या हो गए, चार एक्स हो गए, और एक केजी वाई था तो दो केजी क्या हो गए, दो वाई बराबर कितने हो गए प्यारे बच्चों, 300 रुपए खर्च किए। समीकरण नंबर क्या हो गया, दो हो गया। तो ये आपके समीकरण एक हो गए, ये समीकरण दो, तो दिए गए सवाल का ये आपका बीजगणितीय रूप हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, इससे पहले जो दो सवाल के ग्राफ बताए गए थे उसी के जैसा आप इसका भी ग्राफ बनाओगे, समीकरण एक से हल करके एक्स वाई में संबंध निकाल लोगे समीकरण दो से। तो प्यारे बच्चों, हम आपका एक काम आसान कर देते हैं कि समीकरण एक से x और y में संबंध निकाल देते हैं। तो समीकरण एक क्या है प्यारे बच्चों, ये है, तो आप जरा सा समीकरण एक लिख लेते हैं। समीकरण एक क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 160 है। y को आप उधर कर देंगे, क्या कर देंगे, y को उधर कर देंगे, या तो आप 2x को उधर कर दीजिए प्यारे बच्चों। तो क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 160 माइनस वाई, तो यहाँ 2 का पक्षांतर करोगे तो x बराबर आ जाएगा 160 माइनस वाई बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप x और y में संबंध निकालेंगे तो एक कॉलम बनाएंगे, एक x हो गया एक y हो गया। अब आप प्यारे बच्चों सोचो कि अगर y के स्थान पे 60 हो जाए तो 160 में से 60 घटा दोगे तो 100 आएगा, और 100 बटे 2 कर दोगे क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब दोबारा क्या करते हैं हम लोग, x का y का मान यहाँ पर क्या रख देते हैं, 100, तो 160 में से 100 घटा दोगे 60 आ जाएगा, 60 बटे 2 करोगे तो 30 आ जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 को हल करते हैं। तो समीकरण 2 से क्या लिखा जा सकता है कि 4x प्लस 2y बराबर कितना है, 300। 2y उधर गए प्यारे बच्चों, तो प्लस 2y उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y हो गए, ये 4 इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, बटे में, तो 300 माइनस 2y बटे क्या हो जाएगा, 4। प्यारे बच्चों यहाँ पर भी हम लोग एक्स वाई में रिलेशन निकालते हैं, एक्स हो गए वाई हो गए। अब सोचो अगर वाई के स्थान पे हम लोग क्या रख दें प्यारे बच्चों, क्या रख दें, 100 रख दें, क्या रख दें, 100, तो 100 दूनी 200 और 300 में से 200 घटा दोगे 100 आएगा, और 100 बटे 4 कर दोगे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ कितना मान मिल गया, 25 मिल गए प्यारे बच्चों। एक बार और क्या करते हैं हम लोग, मानते हैं इस बार क्या रख देते हैं, 50 रख देते हैं, तो 50 दूनी 100 और 300, 300 में से 100 घटाए कितना आ गया, 200 बटे 4, तो कितना आ गया, 50। यानी यहाँ क्या मिल गए, 50 मिल गए प्यारे बच्चों। अब इसी को आपको किस में दिखाना है, ग्राफ पे दिखाना है, तो आप देखिएगा, चलिए इसको दिखाते हैं। तो आइए देख लेते हैं, एक क्या बना ले, ऊर्ध्वाधर रेखा जो वाई अक्ष होती है, ये आपकी यक्स हो जाएगी, ये आपकी वाई, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 और 0। तो ध्यान से समझिए, एक्स पे अधिकतम आपको कहाँ तक चाहिए, 50 तक चाहिए, तो ये हो गए 10, ये कितने हो गए 10 प्यारे बच्चों, ये 20, ये 30, ये 40, ये कहाँ 50, ऐसे y पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये y हो गया प्यारे बच्चों। तो x पे कितना है, 50 है, y पे कितना है, 60 है, तो x पे 50, y पे 60 यहाँ है, तो ये वाली लाइन x पे 50, y पे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये वाली लाइन आप मिला दोगे तो ये हो गए 50 और 60, इस पॉइंट का नाम ए हो गए प्यारे बच्चों। x पे 30, y पे 100,
एक्स पे 30, वाई पे 100 यहाँ पर मिलेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप इसको मिला सकते हो, तो एक्स पे 30, वाई पे क्या हो जाएंगे 100, तो ये 30 और कितने हो गए 100, ये पॉइंट बी हो गए। आप चाहो तो इनको आप मिला सकते हो, इस लाइन को, तो इस प्रकार ये लाइन मिलेंगी, ये आ गई। ठीक प्यारे बच्चों, अगला क्या है, x पे 25, y पे 100, तो 25 कहीं यहीं पर आएगा इनके बीच, तो x पे 25, y पे 100, यानी ये लाइन आपको यहाँ पर मिलने वाली है प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये x पे 25 और y पे 100 ये वाली पॉइंट, तो ये हो गए 25 और क्या हो गए प्यारे बच्चों, 25 और 100 हो गए। प्यारे बच्चों अगला देखिए, x पे 50, y पे 50, तो x पे 50, y पे 50, ये वाली लाइन क्या हो गई प्यारे बच्चों, x पे 50 और y पे 50, ये 50 और 50 हो गए। आप इन दोनों लाइनों को क्या कर दोगे प्यारे बच्चों, मिला दोगे, तो ये देखिए ये दोनों लाइनें क्या हो गई, एक दूसरे के पैरेलल हो गई, यानी ये एक दूसरे से कहीं मिलने वाली नहीं है, तो दिए गए समीकरण का ग्राफ आपका इस प्रकार प्राप्त हो जाता है। डियर स्टूडेंट, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट। तब तक के लिए हम लोग आज अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू बच्चों।